चलिए आइए पेज नंबर 7.33 P2। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इसने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स 500 रुपए में बेचे हैं। आपको मैंने याद है मैंने बताया था, एक तरीका तो यह है कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिख दो, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स कितने रुपए में बेचे 500, और जब जब एक्वायर किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दो, एक ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। और मैंने बताया था आप ऐसा करना मत, जब जब एक्वायर हुआ और उसको अलग कैलकुलेट करना। मान लीजिए आपने 97 में प्रेफरेंस शेयर्स एक्वायर किया, फिर 2000 में एक्वायर किया, फिर 2005 में एक्वायर किया, तो आपको तीन ब्लॉक बना के इसको कैलकुलेट करना होगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा चांसर तो सेम आएगा क्योंकि आप सेम प्रीवियस ईयर में तीनों कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 54F का एग्जेम्पशन प्रोपोर्शन मिलता है और परसेंटेज वाइज देना है, वहां पर गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए हमने क्या किया, लॉट वन लॉट टू लॉट थ्री बना दिया। लॉट वन इसको फादर से गिफ्ट मिला था, लॉट टू इसने इसको बोनस शेयर्स था, लॉट थ्री इसने खरीदा था। तो टोटल देखना 5,000, 2,000 और 3,000, 10,000 होते हैं। पूरा का पूरा 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स वो 500 रुपए में बेच रहा है, तो 5,000 इंटू 500, 2,000 इंटू 500, 3,000 इंटू 500, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया। इसके बाद मैंने माइनस कर दिया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसने ये फादर से गिफ्ट में एक्वायर किया था, तो कॉस्ट इज कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, और फादर का कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, इनफैक्ट फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 1981। तो हमने 100 से डिवाइड करके इंटू 40 इंटू 5,000 कर दिया, ठीक है, ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,50,000। बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0, और ये इसने खरीदा था 2001-2002 में, तो इसका हमने इंडेक्सेशन कर दिया, 125 में खरीदा था, 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स उसे मल्टीप्लाई करके इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब ये तीनों ये प्रेफरेंस शेयर्स को बेच के वो क्या एक्वायर कर रहा है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले किस में एग्जेम्पशन देंगे, जिसमें आपको सबसे ज्यादा एग्जेम्पशन मिलेगा, तो हमने परसेंटेज निकाल दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, तो इसका तो 100% आएगा। इसका 2.5 लाख डिवाइड बाय 25 लाख 10% आएगा, और इसका दिस डिवाइडेड बाय दिस 33.98% आ रहा है। तो सबसे पहले यहां, उसके बाद यहां, इसके बाद यहां। और प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन का मतलब क्या बताया था, जितना पैसा आपके पास आ रहा है एसेट को बेच के, वो पूरे रुपए का घर खरीद लोगे तो हम पूरा एग्जेम्पशन दे देंगे। इसने घर कितने रुपए का खरीदा है, 30 लाख का। अब देखो बोनस शेयर 10 लाख रुपया बेच के कितना आ रहा है, 10 लाख, तो 10 लाख का घर खरीद लिया, हमने 10 लाख का एग्जेम्पशन दे दिया, तो यहां से 10 लाख यूटिलाइज हो गया। अब बचा कितना, 20 लाख। अब इसके बाद यहां देंगे, अब 15 लाख आया पैसा, अब 15 लाख का वो घर खरीद रहा है, तो पूरा एग्जेम्पशन हो गया, 33.98% ऑफ 15 लाख इतना आ जाएगा, तो 15 लाख यूटिलाइज हो गया, यहां 15 लाख माइनस कर दिया, बचा आप कितना, 5 लाख। अब 5 लाख किसमें से देंगे, इसमें से देंगे, इसको बेच के कितना पैसा आया, 25 लाख, लेकिन 25 लाख रुपया घर खरीद नहीं रहा है, कितने रुपया घर खरीद रहा है, 5 लाख का, तो प्रोपोर्शनल एग्जेम्पशन देंगे कितना, 10%, तो 10% ऑफ 5 लाख कितना, 50,000, कितना आ गया आंसर, 2 लाख आया। चलिए